प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दो त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित भुजा 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 समरूपता कसौटी। इसका प्रूफ देख रहे हैं, ये हमारे पास परिमेय 6.4 है। इसमें कहा गया है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी बच्चों, परिमेय 6.3 में हमने किया था कि अगर एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो जो भुजाएं हैं वो समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुजें समरूप होती हैं। यहां पे क्या हुआ कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए जो त्रिभुजें हैं वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। ये हमारा जो नियम है इसको हम बोलते हैं भुजा 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 समरूपता नियम या कसौटी। अब यहां से हमारे पास दो त्रिभुजें दी हुई है, तो एक त्रिभुज का नाम हमने लिख दिया एबीसी और दूसरी डीईएफ। तो यहाँ पे दिया गया है दो त्रिभुजें एबीसी और डीईएफ, जिसमें एबी के बटे में डीई, बीसी के बटे में ईएफ और एसी के बटे में डीएफ, ये बराबर है, यानी कि भुजाएं समानुपाती है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुजें कैसी है, समरूप है। अब देखो, भुजाएं तो समानुपाती हैं, यानी कि हमें क्या दिखाना है, कोण बराबर दिखाना है, यानी कि हमें कोण ए और कोण डी को बराबर दिखाना है, कोण बी और कोण ई को बराबर दिखाना है और कोण सी और कोण एफ को बराबर दिखाना है। भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तो ठीक परिमेय 6.3 की तरह से हम क्या रचना करते हैं कि हम डीई पर बिंदु पी और डी एफ पर बिंदु क्यू इस प्रकार लेते हैं कि हमारे पास जो डीपी है वो किसके बराबर होगा, एबी के, डीपी एबी के बराबर और डी क्यू किसके बराबर है, एसी के। और क्या करते हैं, हम पी क्यू को मिला देते हैं, पी और क्यू को मिलाया। बच्चों थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, स्पेस हमारे पास कम पड़ जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। आप यहां पे देखेंगे कि हमें पहले तो आप ये देखो कि आपको पहुंचना कहां पे है। हमें पहुंचना इस जगह पे है कि हमें कोण ए और कोण डी को बराबर दिखाना है, कोण बी को और कोण ई को बराबर दिखाना है और कोण सी को और कोण एफ को बराबर दिखाना है, संगत कोण बराबर दिखाने हैं। कम से कम हमें दो तो जरूर बराबर दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर दो कोण एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाएगा तो ए ए समरूपता कसौटी के हिसाब से ये फिर भी हमारे पास, क्योंकि तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली फिर बराबर हो ही जाएगा, तो फिर भी हम उस तक पहुंच जाएंगे, यानी कि कम से कम हमें दो या तीनों कोण हमें बराबर दिखाने हैं। अब आप देखेंगे कि इस तक कैसे पहुंचेंगे। यहां से हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको यूज करेंगे कहीं ना कहीं, अगर हम क्योंकि हमने एबी और एसी यूज की है तो हम लेते हैं कि एबी बटे में डीई बराबर है एसी बटे में एएफ, तो लिख दिया एएफ, हमने शायद गलत लिख दिया, डीई ईएफ और ये हमारे पास एसी के लिए क्या आना था, डीएफ आना था, तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये डीएफ है, तो यहां पे हमारे पास ये डीएफ है, यहां पे भी हम क्या कर लेते हैं, डी एफ कर लेते हैं, डी एफ। अब देखो यहां पे इस पे आ जाओ, अब ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीपी, डीपी बटे में डीई, और एसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बटे में डीएफ। अब देखो डीपी बटे में डीई और डी क्यू बटे में डीएफ, यानी कि ये इसके समांतर उस तक हम पहुंच सकते हैं।
अब देखो उसको कैसे पहुंचेंगे, जैसे हमने एक पीछे उदाहरण किया था उसी से रिलेटेड है। हम क्या करते हैं, पहले इसका विलोम कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा डी ई बटे में डी पी बराबर है डी एफ बटे में डी क्यू। तो हमने इनका विलोम कर लिया। अब देखो डी ई कैसे बनी होगी, डी पी प्लस पीई, इसको हम लिख सकते हैं डी पी प्लस पीई बटे में डी पी। और यहां से डी एफ कैसे बनी होगी, डी क्यू प्लस क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब हम क्या करते हैं, इसके डिवाइड में अलग कर देते हैं और इसके डिवाइड में अलग कर देते हैं। तो डी पी बटे में डी पी प्लस पीई बटे में डी पी, तो इसके डिवाइड में अलग कर दिया और इसके डिवाइड में ही अलग कर दिया। इसी तरह से डी क्यू बटे में डी क्यू प्लस क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब देखो डीपी के साथ डीपी कैंसिल, एक आ जाएगा, डी क्यू के साथ डी क्यू कैंसिल, यहां से भी एक आ जाएगा। तो हम पहुंच गए वन प्लस पीई बटे में डीपी बराबर है वन प्लस क्यू एफ बटे में डी क्यू डी क्यू। तो हम यहां वन को वन के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा पीई बटे में डीपी और क्यू एफ बटे में डी क्यू। अब देखो डी पीई बटे में डीपी पीई बटे में डीपी विलोम हो रहे हैं, तो एक बार फिर और विलोम कर देते हैं। हम इसको डीपी बटे में पीई लिख देते हैं और डी क्यू बटे में क्यू एफ लिख देते हैं। अब देखो डीपी डीपी बटे में पीई और डी क्यू बटे में क्यू एफ, तो ये बराबर समानुपात में हो, त्रिभुज डी ई एफ में जो ये जो भुजाएं हैं वो समानुपात में होगी। इसका मतलब जो पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू है वो समांतर होगी किसके साथ, ई एफ के। अब देखो समानुपाती है तो समांतर होगी, यहां पे क्या थेल्स प्रमेय का विलोम यूज कर दिया, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, यहां पे हमने थेल्स प्रमेय का विलोम यूज कर दिया। अब यहां पे देखो पी क्यू समांतर है ई एफ के, अब जो पी क्यू हुआ है वो ई एफ के समांतर है और ये एक रेखा है, ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तिर्यक रेखा के एक ही दो समांतर रेखाएं हैं, ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी अगर इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक ही और के कोण हो गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण पी इसके बराबर हो गया कोण ई के। और इसी प्रकार ये जो कोण क्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा कोण एफ के। यहां पे जो कोण पी है इसका मतलब डी पी क्यू से है और जो कोण क्यू है इसका मतलब डी क्यू पी से है, ये आप ध्यान रखोगे। यहां पर इनको नाम दे सकते हो कोण एक और कोण दो। अब यहां पे हम पहुंच गए थे बच्चों, यहां से आगे आप अब देखेंगे कि हमारे पास जो ए बी है वो किसके बराबर है, डीपी के बराबर है। एसी है वो किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। और हमारे पास और क्या, ये इसके समांतर आ गया, इसको हमने इसके बराबर दिखा दिया, इस कोण को हमने इस कोण के बराबर दिखा दिया। अब एक बार फिर दोबारा से आ जाए यहां पे, जो हमारे पास गिवन है देखो ए बी और ए सी लिया है, तो हमारे पास ए बी बटे में डी ई किसके बराबर है, ए सी बटे में डी एफ के बराबर है, ये दिया गया है, दिया गया है। क्या कोई हम और रिलेशन भी बना सकते हैं, इस तरह का कोई और रिलेशन भी बना सकते हैं, यहां पे आओ इस पे डी पी किसके बराबर है, ए बी के, तो इसकी जगह पे डीपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे में यहां पे पीई 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 तो हमारे पास नहीं है, और डी क्यू बटे में क्यू एफ। हम इसको एक बार यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम पहले यहां पे आते हैं। अब देखो
एक तो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज डी पी क्यू, ये वाला, और एक ये पूरी त्रिभुज है डी ई एफ। इसमें देखो कोण पी और कोण ई बराबर है, कोण क्यू और कोण एफ बराबर है। अब हमने जो कोण 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 कसौटी की थी, उसका जो अगला एक्सटेंशन थी, उसकी जो कोरोलरी थी, उसमें हमने देखा था कि अगर दो कोण बराबर हुए दो त्रिभुज के, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो तीसरा कोण अगर ऑटोमेटिकली बराबर हो गया तो यानी कि वो त्रिभुजें समरूप होंगी, और समरूप त्रिभुज होंगी तो उनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। तो यहां से संगत भुजाएं अनुपात में होगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि डी पी छोटी त्रिभुज और बड़ी त्रिभुज की भुजा क्या बनेगी, डी ई। इसी तरह से डी क्यू और यहां पूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी, डी एफ। इसी तरह से पी क्यू और ये ई एफ। तो यहां पे हमने ए ए क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, कौन कौन समरूपता कसौटी, पूरा लिख देंगे आप कौन कौन समरूपता कसौटी। अब DP किसके बराबर है, AB के बराबर है, AB यहां हमने लिख दिया AB बटे में DE। D क्या किसके बराबर है, AC, ये DF, और P क्या बराबर बटे में EF। अब यहां पे एक तो आप इसको देखो और एक जो चीज दी हुई है उसको देखो, ए बी बटे में डी ई, ए बी बटे में डी ई, ए सी बटे में डी एफ, ए सी बटे में डी एफ, पी क्या बटे में ई एफ और बी सी बटे में ई एफ, ये सारे इक्वल है। अब यहां ये दो ले लो, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये और ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो ये आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BC बटे में EF किसके इक्वल है, BC बटे में EF किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, PQ बटे में EF, PQ बटे में EF। कंफ्यूज हो गए ना, देखो AB बटे में DE ये रहा और AC बटे में TF यहां पीछे की तरफ है, ये दोनों ये रहे यहां पे, ये दोनों ये रहे, ये तीनों बराबर है, यहां पे दो यहां पे आए हुए हैं, तो BC बटे में EF ये सारे बराबर है और इनमें से दो एक जैसे है तो ये आपस में भी बराबर है, तो पी क्यू बटे में ई एफ होगा। अब देखो ई एफ यहां पे भी, ई एफ यहां पे भी, इसका मतलब बीसी किसके बराबर हो गया, पी क्यू के बराबर हो गया, बीसी पी क्यू के बराबर हो गया। अब देखो ए बी डी पी के इक्वल था, ए सी डी क्यू के और बी सी पी क्यू के, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान है, तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गए, तो त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम हो गए। अगर सर्वांगसम होगी तो संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग है इसके जो वो बराबर होंगे। अब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज डी पी क्या होके यानी कि इनके संगत भाग बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे यानी कि कोण ए और कोण डी बराबर होगा, कोण बी और कोण पी बराबर होगा और कोण सी और कोण क्यू बराबर होगा। हमें क्या दिखाना है, ये दो त्रिभुजें समरूप हैं। समरूप दिखाने के लिए क्या होता है, संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण बराबर, भुजाएं समानुपात में तो दे रखी है, हमें संगत कोण को बराबर दिखाना है, यानी कि हमें क्या दिखाना है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई और कोण सी बराबर है कोण एफ, ये दिखाना है। अब आ जाओ देखो, कोण ए बराबर कोण डी ये तो हो गया हमारे पास, यहां तो हो गया कोण ए बराबर है कोण डी तो हो गया। अब देखो कोण बी कोण पी के बराबर है और कोण पी कोण ई के बराबर है, यहां से इससे और इससे इन दोनों को समीकरण को नाम दे दोगे तो कोण बी बराबर है कोण पी और कोण पी बराबर है कोण ई, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोण बी कोण ई के भी बराबर है क्योंकि
कोण बी तो कोण पी के बराबर है और पी ई के बराबर है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण ई। यहां से समीकरण का नाम ले दोगे, समीकरण इसको कुछ भी लिख दो, इसको भी समीकरण इससे और इससे ये मिल गया हमें, दूसरा भी आ गया हमारे पास। कोण सी कोण क्यू के बराबर है और कोण क्यू कोण एफ के बराबर है, तो क्यू दोनों में आ रहा है, देखो ये क्यू बराबर है यानी कि सी और एफ भी बराबर होंगे, तो कोण सी बराबर है कोण एफ, ये भी आ जाता है हमारे पास। तो हमें क्या दिखाना था, हमें तीनों कोण बराबर दिखाने थे, संगत कोण बराबर दिखाने थे, दिखा दिया हमने, यहाँ पे हमारे पास आंसर प्रूव, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारे पास थ्योरम 6.4, तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा पहली बार में आपको ऐसा लग सकता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा तो आपको थ्योरम को करते हुए भी मजा आएगा। तो इसको बहुत ध्यान से, और एक बार में शायद आपको समझ में ना आए तो दो बार तीन बार चार बार में ये आपको जरूर समझ में आ जाएगी, तो इसको अच्छे से बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये बेस है आगे के लिए, आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये बेस रहेगा। थैंक यू वेरी मच।